नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज देश में सियासी यात्राओं वाली सियासत की चर्चा। जी हां, चर्चा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके भविष्य की राजनीति और गुजरात चुनावों पर पड़ने वाले असर की चर्चा। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा अब महाराष्ट्र से निकलकर मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुकी है, यानी दक्षिण भारत से यात्रा ने उत्तर भारत मतलब हिंदी बेल्ट में प्रवेश कर लिया है। हिंदी बेल्ट में एंट्री के साथ ही राहुल की यात्रा के साथ प्रियंका गांधी भी सपरिवार जुड़ चुकी हैं। बुरहानपुर से शुरू हुई आज की यात्रा से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ किया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य बीजेपी के फैलाए डर को खत्म करना है। बीजेपी के बंद किए सभी लोकतांत्रिक रास्ते जैसे चुनाव, संसद, प्रेस, जो नियंत्रण सरकार ने लगा रखा है उसे खत्म करना है। वहीं पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि राहुल की पदयात्रा पद के लिए है, तो जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राहुल अपने बुजुर्गों के प्रायश्चित के लिए यात्रा पर निकले हैं। इस वार पलटवार से साफ है कि सियासत गर्म है। इस सियासत का चुनावों पर कितना असर पड़ने वाला है, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा दें। इस तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ गुजरात में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है, पीएम मोदी वहां पे धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की पद यात्रा 78वें दिन में प्रवेश कर गई है और अब यह पद यात्रा हिंदी बेल्ट यानी मध्य प्रदेश में एंटर हो चुकी है और उसके बाद मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान और उत्तर भारत के कई राज्यों से होकर गुजरेगी। अब देखना यह है कि इस पद यात्रा से किसको कितना फायदा होता है और कितना नुकसान होता है। प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए, प्रेस का रास्ता बंद, बाकी जो संस्थाएं इंस्टीट्यूशन है उनको सबको आरएसएस बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं, जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। हम लोग तो सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, किसान की, मजदूर की, नौजवान की, मध्यम वर्ग की, छोटे मोटे कारोबारियों की, पब्लिक के बीच जाके पब्लिक से बात कर रहे हैं, उसमें किसी को क्या पीड़ हो सकती है? हम तो आरोप नहीं डाल रहे हैं, हम तो किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं और जनता का प्यार बटोर रहे हैं। मैं समझता हूँ उसमें राहुल जी कामयाब रहेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं तोड़ो यात्रा पर हैं। अफजल गुरु के साथ ही जो जेएनयू में थे उनके साथ तो वो हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के वो खड़े रहे हैं। तो देशद्रोहियों के साथ तो वो पहले से खड़े रहे हैं। उनके परनाना ने धारा 370 लगाई थी जिसके चलते जम्मू कश्मीर मुसीबत में पड़ा और मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त किया, तो देश को तोड़ने का काम किया। तो भी प्रायश्चित यात्रा में निकले हैं अपने बुजुर्गों के प्रायश्चित में। लेकिन आपको चेहरा चेंज ही करना है तो थोड़ा वल्लभ भाई पटेल जैसा कर लो, या तो नहीं तो जवाहरलाल नेहरू जैसा कर लो, वो भी चलेगा। गांधी जी जैसा होने से तो और अच्छा है, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होते जा रहा है? तो ये बात मैंने उनको पूछा, इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस का सारे जो कल्चर है वो सारे कल्चर हमारे नजदीक नहीं है, भारतीय लोगों का नजदीक नहीं है। ये सारे जो संस्कृति वो लोग का करीब है जो भारत को कभी अभी तक समझा नहीं है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुकी है, इससे किसको कितना फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे और देश की राजनीति को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।